चेन पुल हो गई हमारी। अभी वहां से कोई आ रहे देखने के लिए कि चेन पुल का चीज ना मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि ये जो स्ट्रॉ दिया ना इन लोगों ने, जो मतलब हमको ये जूस मिलता है इसके, ये वाला स्ट्रॉ बिल्कुल एज ए लग रहा पेपर मेड है, ज्यादा हार्ड वाला पेपर है। बहुत बढ़िया स्टेप है रेलवे के द्वारा एनवायरमेंटल को बचाने के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव, पिछले कई दिनों से एक ये जो लाइन है ना, ये आपने कई जगह लिखी हुई पड़ी होगी, पब्लिक प्लेस पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको ये लाइन मिली होगी कहीं ना कहीं। तो आज है 15 अगस्त 2022, यानी हमारे इंडिया को आज 75 इयर्स हो चुके हैं आजाद हुए। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज इसी इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल जर्नी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। और वैसे अभी तो हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, नेशनल फ्लैग देखो सबसे पहले तो, क्योंकि आज यही जरूरी है और मजा बहुत आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैं हूँ इंद्रजीत, फिर निकल चुका हूँ एक नई जर्नी के लिए। पहले चलते हैं अंदर, फिर मिलते हैं आपसे। और वैसे मैंने एक चीज आपको बता दूं, मैं इस ट्रेन की, ये है ट्रेन नंबर 12029 न्यू दिल्ली अमृतसर स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस। और आज मैं इसकी जर्नी क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ, क्योंकि इस ट्रेन की भी आज एनिवर्सरी है, इसके 24 साल आज पूरे हो गए हैं। ये चलाई गई थी 15 अगस्त 1998 में, आज हो चुकी है 15 अगस्त 2022, 24 साल इसको हो चुके हैं। तो जो अगर 1 साल पहले चलती तो इसको सिल्वर जुबली हो जाती। हमारा कोच है C3 भाई। तो ये सीट है अपनी 49 वाली विंडो। मैंने आपको आज वैसे दो चीजें बताई थी, दो चीजें खास है, एक इंडिपेंडेंस डे है और दूसरा इस ट्रेन के 24 साल हो रहे हैं। और एक और चीज खास हो रही है, मतलब खास तो वैसे मेरे लिए है, हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं। तो आप सभी को वेरी थैंक यू, आप सबने इतना सपोर्ट दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये नंबर थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। तो अब पहले तो अभी तक जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लो। और ऊपर से अब थोड़ा सा टारगेट लेके चलते कि अगर 1 महीने तक 2500 हो जाए, देखो इतना सा है ये तो कर देना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो मैं अभी जब तक व्लॉग करता हूँ आप जब तक सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन पर दबा देना, ताकि आगे आने वाले व्लॉग आपसे टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। लग चुका है हमारी ट्रेन का ही लोकोमोटिव गाजियाबाद WAP 7। मैं अपनी सीट पर वैसे बैठ चुका था, मैंने एक्सचेंज कर ली थी किसी से, किसने बोला कि आप इधर आ जाओ, बाकी अभी मेरी बन चुकी है 50 नंबर सीट, वैसे उधर 49 थी। और न्यूज़पेपर मिल जाता है यहाँ पे आपको, इंग्लिश ही मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली हिंदी कम ही मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। तो ये है आज 15 अगस्त 2022 का न्यूज़पेपर, लेकिन मेरे को इसमें सबसे सैड ये न्यूज़ लगी आज की, जो कि राकेश झुंझुनवाला की डेथ हुई थी। हाल ही में इन्होंने आकाशा एयरलाइंस का उद्घाटन भी किया था। काफी समटाइम्स लाइफ काफी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो निकल चुकी है जी गाड़ी अपनी नई दिल्ली से, और यहीं से हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, एक और जर्नी की यहाँ से। अब वैसे इसमें मैं जाऊँगा यहाँ से लेकर अमृतसर एंड टू एंड जाऊँगा। पिछली बार भी मैंने इस ट्रेन की जर्नी की थी, वो मैंने लुधियाना तक की थी, और वो भी पिछले साल की थी, वो भी अगस्त का मंथ की था, लेकिन वो बस लेना एंड टू एंड जाऊँगा। चेन पुल हो गई हमारी, बस यहीं पे पहुंची थी और यहाँ पे कुछ चेन पुल हो गया, 3 बार लोकोमोटिव ने हॉर्न बजाया। अभी वहां से कोई आ रहे देखने के लिए कि चेन पुल का, पीटी सर भी खड़े इधर बोर्ड के बिल्कुल सामने रुका है हमारा कोच। यहाँ पे चेन पुलिंग के बाद भी चल चुकी थी और बोतल हमको पानी की दे दी थी इन्होंने, वैसे ये ठंडी दी है, ये लोग ठंडी देते नहीं है, नॉर्मल देते हैं, ये वाली मेरे को थोड़ी सी ठंडी दी है इन लोगों ने, पानी में भी खो के रखी थी, बर्फ वाले पानी में मैंने देखा था बाहर में। तो वैसे अभी नई दिल्ली से ही बाहर ही निकले, अभी तो सब्जी मंडी भी नहीं आया और सर्व भी कर दी गई है चूबे वाली चाय। वैसे इस ये ट्रेन जो है नई दिल्ली से निकलने के बाद अब 198 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेगी, सीधा अम्बाला रुकेगी लगभग 2.25 घंटे के आसपास के टाइम है।
एक यही शताब्दी है और एक अमृतसर शताब्दी जो इस रूट पे जाके सीधा अम्बाला रुकती है। बाकी कालका चंडीगढ़ शताब्दी तो करनाल कुरुक्षेत्र वगैरह भी रुक जाती है। और हाँ, मैंने इस ट्रेन की आपको डिटेल नहीं बताई थी क्योंकि मैं अमृतसर में बिल्कुल टाइम पे पहुंचा था, लगभग 15-20 मिनट पहले इस पे लगने के पहुंचा था। देखो ये ट्रेन नंबर है 12029 न्यू दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी, लगभग कह लो डेली चलती है, थर्सडे को ये नहीं चलती है। इसी की जगह पे 12032 करके कोई शताब्दी चलती है, मतलब रेक कोई शताब्दी का होता है बस वो चलाते हैं। मेरे हिसाब से रिजर्व रेक रखा होगा इन लोगों ने इसकी मेंटेनेंस के लिए, एक दिन इसको मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए। तो ये सीन है इसका। नई दिल्ली से अमृतसर तक ये वैसे टोटल डिस्टेंस कवर करती है 448 किलोमीटर का। इसकी टॉप स्पीड 130 km/h है, तो अभी मेरे हिसाब से 130 भी चल रही होगी। और ये टोटल टाइम लेती है 6 घंटा और 10 मिनट, टोटल इसके 6 ही हॉल्ट हैं। इस ट्रेन में टोटल 19 कोचेस लगे हुए हैं जिनमें से 14 एसी चेयर कार के हैं जिनमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और इसका जो फेयर है ना यहाँ से लेकर अमृतसर तक का वो है 845 रुपया, इसमें फूड इंक्लूडेड होता है। और यही अगर एग्जीक्यूटिव की मैं बात करूँ जो E1 से लेकर E3 में होते हैं उसका है 1715 रुपये, यानी सीधा डबल कह लो उससे इतना लगभग पड़ जाता है। और ये भी मैं बता रहा हूँ बिना डायनेमिक के, अगर यही में डायनेमिक में मतलब मिलाओ तो वो कह लो 845 से 900 पहुँच सकता है, 950 भी पहुँच सकता है, डिपेंड करता है। अगर आपको डायनेमिक नहीं लगवाना तो कोशिश करो जितना पहले हो सके उतनी पहले बुकिंग करवा लो, आप कहो महीना पहले, या कोशिश करो 3-4 हफ्ते पहले ही बुकिंग करवा के रख लो तो डायनेमिक कम से कम ही लगेगा, या ना के बराबर ही कह लो। साढ़े 8 हो चुके हैं और हमारा जो है ये ब्रेकफास्ट जो है आ चुका है। लेकिन ये तो देखने में तो वही जो टिपिकल हर शताब्दी और राजधानी का जो ब्रेकफास्ट होता है देखने में वही है, बाकी इसको खोल के देखेंगे। वैसे मैंने वेज मंगवाया था तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली कटलेट ही होंगे। मैं वैसे नॉन वेज चूज करता हूँ जब ब्रेकफास्ट ऑर्डर होता है, लेकिन अभी सावन का महीना है तो थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा हूँ नॉन वेज को। बाकी खोल के देखते हैं ये, बाकी बाहर से देखो तो ये सैनिटाइजर और ये तो फ्रूटी मिलती है और बटर होता है, बाकी ब्रेड और ये कटलेट। 15 अगस्त पे देखो इन लोगों ने, अगर गौर से देखोगे तो इसका शेप जो है वो दिल की शेप में है, देखो हार्ट वाली शेप। चीज ना मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि ये जो स्ट्रॉ दिया है ना इन लोगों ने, जो मतलब हमको ये जूस मिलता है इसके साथ पहले स्ट्रॉ ऐसे अटैच होता था, लेकिन अभी जैसे पिछले साल मतलब पिछले महीने जुलाई में जो मतलब प्लास्टिक बैन हुआ है तो उसकी वजह से इन लोगों ने प्लास्टिक के स्ट्रॉ नहीं दिए। ये जो स्ट्रॉ देख रहे हो मैं आपको दिखाता हूँ गौर से देखना ज़रा, ये वाला स्ट्रॉ बिल्कुल एज अ लग रहा है पेपर मेड है, ज़्यादा हार्ड वाला पेपर है बस उससे बना हुआ है। और फिर भी कहूँगा कि एक बहुत बढ़िया स्टेप है रेलवेज के द्वारा एनवायरमेंटल को बचाने के लिए। वैसे भी हमको भी इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि मतलब प्लास्टिक की चीज़ें आप भी मतलब अगर कभी यूज़ करते हो तो कम से कम ही किया करो, तो बहुत अच्छी बात लगी है।
आया था इसके वॉशरूम में, मतलब मैं ये देख के हैरान हूँ कि पिछली बार भी जब मैं आया था तब भी इसका वॉशरूम सेम टू सेम ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। गेट इसका दो गेट जुड़कर एक गेट बनाया हुआ जैसे पुराने कोचेस में बना होता था। बाकी ये तो बहुत बेहतर है, और इसमें सोप है नीचे, अगर दिखाऊं मैं तो पिंक पिंक आपको दिख रहा होगा। बाकी ये कुछ ऐसा है, मतलब पानी पानी हुआ पड़ा है, अभी यूज भी काफी लोगों ने किया, जब चली थी तो ठीक था तब ऐसा हो गया। और इसके अंदर में मतलब पानी भरा हुआ है, आपको लगेगा कि जैम है, जैम ऐसी कोई बात नहीं, ये भी मैंने पिछली बार बताई थी आपको, वो दबाओगे तो ये पानी फिर निकल जाएगा, दूसरा पानी साफ फिर आ जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल कहूँ तो मतलब ठीक है, अगर एवरेज कहूँ तो सब चीज मेंटेन लगी हुई है, सिवाय मतलब इस गेट के, गेट को ज्यादा ही ना ढीला सा लग रहा है ऐसे खींचने में, पर बाकी ठीक है। समय से लगभग 5 मिनट पहले ही गाड़ी ने हमको उतार दिया है। इसके पहले हॉल्ट जो कि है अंबाला कैंट रेलवे, जिन कोड है UMB, यानी अब तक इसका सबसे लॉन्गेस्ट रन था ये वाला 198 किलोमीटर जितना। इसके बाद तो गाड़ी मतलब हर आधे पौने घंटे बाद कहीं ना कहीं रुकी चली जाएगी। अभी ये पे मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, चारों तरफ लगभग बादल ही हुए पड़े हैं। दो नंबर पे आ रही है अपनी सचखंड एक्सप्रेस, अमृतसर से हजूर साहिब नांदेड़ को जाएगी ये। ना जाने अंबाला कैंट से मैं कितनी बार क्रॉस हूँ, मतलब कई बार क्रॉस हूँ, कल भी यहीं से होके गया था, दिल्ली पहुंचा था, उसके बाद तो यहीं पकड़ी है। मैं कई बार जाता रहता हूँ अंबाला कैंट, तो लगभग आना जाना मेरा लगा ही रहता है। और अंबाला कैंट की मैं क्या बात करूँ, बड़ा स्टेशन है, डिवीजन है नॉर्दर्न रेलवे की, ये एक तरह का जंक्शन बन जाता है। यहाँ पे चार अलग अलग रूट आगे मतलब मर्ज हो जाते हैं, जहाँ से हम आ रहे हैं एक वो जहाँ हम जाएंगे अमृतसर वाला दो हो गया, तीसरा यहाँ से एक चंडीगढ़ को निकल जाएगा राइट हो जाएगा आगे से पीछे एक, और एक चौथा जो आप पीछे से राइट से आ रहा था सहारनपुर साइड से। भाई गाड़ी पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट पे जो कि है राजपुरा। पहला हॉल्ट है इसका पंजाब का, ये राजपुरा जिसको कि गेटवे टू पंजाब भी बोला जाता है। अगर आप हरियाणा साइड से इस पंजाब साइड आओगे, गेटवे टू पंजाब पहले ही जगह जो आएगी वो राजपुरा ही आएगी। ये एक अर्बन टाउन है जो कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट में आता है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अब तक हम लोग अपना आधा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। इसका एक ही हॉल्ट होता है दूसरी स्टेट में, वो होता है अंबाला, उसके बाद बाकी सभी हॉल्ट इसके पंजाब में ही होते हैं मोस्टली। एक चीज नोटिस की होगी, मैं भी ट्राई कलर में आया हूँ आज, ये देख लो उससे नीचे तक इसी मैजिक में हॉर्न हो गया, अंदर चलते अंदर ही बात करते हैं।
गाड़ी लगभग टाइम से ही 2-3 मिनट पहले पहुंचाया है लुधियाना पे। मेरा ही घर है ये, लेकिन मेरी जर्नी तो एंड तक होनी है, जाऊंगा तो अमृतसर तक ही। जैसे लुधियाना का लगभग टाइम पर ही है इसका, यहाँ पे सबसे मतलब ज्यादा देर का हॉल्ट इसका यहीं पे है, 3 मिनट का हॉल्ट, बाकी सब जगह 2 मिनट का था। अपने शहर की मैं क्या ही बात करूँ, इसको वैसे मैनचेस्टर ऑफ पंजाब बोला जाता है, पहले तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया था, फिर अभी तो पंजाब में। खैर होजरी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है पूरे ओवरऑल इंडिया में। यहाँ का जो होजरी का जो मतलब होजरी का यहाँ का जो गुड्स होता है ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भी होता है। उलन का टेक्सटाइल का ज्यादा, सर्दियों के कपड़े तो मैं कहता हूँ भरमार है यहाँ पे। वैसे ये जो ये वाली टी शर्ट पहनी है ना तिरंगे वाली, ये तो मैंने यहाँ से नहीं ली थी, ये तो चलो ऑनलाइन मंगवाई थी। वैसे बात करूँ तो ज्यादा ही है यहाँ पे। लगभग ट्रेन हमारी खाली हो चुकी है, तीस ट्रेन का ये है, जब ये नई दिल्ली से अमृतसर जाती है तब 50% यहाँ पे उतर जाते हैं, जब अमृतसर से न्यू दिल्ली जाते हैं तो सबसे पैसेंजर यहीं से चढ़ते हैं। मतलब ये मेन इसका स्टॉप, मतलब यहाँ से पैसेंजर की डिमांड सबसे ज्यादा है इसमें। पैसेंजर अभी चढ़ भी रहे हैं यहाँ से अमृतसर के लिए भी, अभी काफी पैसेंजर चढ़ रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त है, तो काफी लोग क्या करते हैं दिल्ली से यहीं से ना अमृतसर की ट्रेन में बहुत ज्यादा रश होता है। वाघा बॉर्डर पे देखना होता है वो जो 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है तभी, तो आज से कल तो ज्यादा था होगा मेरे हिसाब से, आज तो इतना नहीं चाहिए, कल 14 तारीख को बहुत ज्यादा रश होगा इसमें, इसमें या और भी ट्रेन जो भी अमृतसर जा रही है। हाँ जी यार, अभी पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे, किसी ने ना मेरा मेरे ब्रदर को मैंने बोला हुआ था मेरे को मतलब दोपहर का लंच तो इतना मिलता नहीं है, तो मैंने घर पे फोन कर दिया था मेरे को देने के लिए, मगर वो आया नहीं है। वो उसका मेरे को फोन आया था कहता मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, इतना ट्रैफिक मतलब लंच नहीं गया मेरा, तो मैंने यहाँ से मंगवा लिया था लगभग अपना घर से। अपना लुधियाना देखो वैक 12 गाड़ी जो है अभी 5 मिनट डिले है और पहुंचा दिया हमको फगवाड़ा पे। यार धूप बिल्कुल मुंह पे आ रही है, देखना थोड़ा सा मेरी आंखें बंद हो रही है इस वजह से, और बाहर आ गए ना गर्मी बहुत ज्यादा फील हो रही है, पहले टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था, यहाँ पर आके इतनी गर्मी लग रही है ना बाहर निकल के अब मेरे को। ये जो है आता है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, और ये फेमस है अपनी शुगर स्टार्च ग्लूकोज उसकी इंडस्ट्री के लिए और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। बाकी ट्रेन तो अभी लगी हुई है पीछे मेरे, जो अभी 5 मिनट डिले से पहुंचाई है जलंधर सिटी में, जिनको JUC 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। ये जलंधर पे अब इसका 2 ही मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद चल पड़ेगी, पता नहीं कब हॉल्ट बच जाए चल पड़े। वैसे भी काफी लोग उतरने वाले थे तो टाइम उसी में लग गया मेरे को। बाकी ये है कुछ स्टेशन का हाल देख लो भाई, तो मेरा भी भूख से बुरा हाल हुआ जा रहा है, सोच रहा हूँ अमृतसर में देखेंगे जो करेंगे। मैं सोच रहा हूँ अमृतसर ना जाऊँ, जाना तो है ही कि अमृतसर तक टिकट करवाई तो अमृतसर तक ही जाऊंगा यार। पहले मेरा प्लान ड्रॉप हो गया था जब लंच मिला नहीं, फिर तो मेरा चलो चला ही जाता हूँ यार, क्यों ऐसी प्लान ड्रॉप करना। और ये जो जलंधर जो है ना, ये एक जंक्शन है, यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शन में रूट निकल जाता है, एक जहाँ से हम आ रहे हैं और एक वहीं से जब हम आए थे तो राइट साइड से एक पठानकोट मतलब पठानकोट साइड से रूट आ रहा था जो कि जम्मू तभी को आगे निकल जाता है, और अभी जब हम जा रहे हैं अमृतसर लाइन, और यहाँ से अभी लेफ्ट को एक दिखाऊंगा आगे जो कि जाएगी वाया कपूरथला होकर फिरोजपुर कैंट की ओर।
भाई तो गाड़ी लगभग टाइम से ही है पहुंची है इसके सेकंड लास्ट हॉल्ट जो कि है ब्यास रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पे तो स्टेशन पे यार मैंने देखा है यहाँ पे देखो हल्की हल्की लगता है बारिश अभी होकर हटी है और जलंधर के बाद जो भी स्टेशन आए ना उन पे ऐसे पानी ऐसा दिख रहा है मेरे को छोटे छोटे जो भी निकले हैं। ब्यास ये रेलवे स्टेशन जो है दो प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये फिरोजपुर डिवीजन और पूरे पंजाब का एकमात्र सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है, इसको इसके लिए अवार्ड भी मिला हुआ है। बाकी ब्यास जो है ये एक तरह से राधा स्वामी ब्यास सत्संग का एक पूरा हेडक्वार्टर है, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं जब सत्संग चल रहा होता है। हिसाब से सत्संग जो है वह कई हफ्तों तक भी चलता रहता है और उस हिसाब से यहाँ के ट्रेनों में काफी रश हो जाता है जब चल रहा होता है, जब सीजन उनका होता है। तो ट्रेन और मैं दोनों पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन जो कि है अमृतसर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है ASR जो कि गोल्डन सिटी है पंजाब की। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अमृतसर का क्या फेमस है, गोल्डन टेंपल हो गया, यहाँ का खाना पीना बहुत कुछ है। और आज तो मेरे हिसाब से बहुत से लोग वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, मेरे साथ भी जो को पैसेंजर बैठे हुए थे उनसे भी बात हुई थी, वो पूछ रहे थे कि कैसे कैसे जाना है। वो साउथ से आए थे मेरे अकॉर्डिंग तमिलनाडु से, तो उन्होंने बताया था, पूछा था फिर से कि कैसे कैसे जाना है, तो ऐसे उन्होंने बोला मेरे को हमको आज ही जाना है और आज ही इस ट्रेन में बहुत रश था इसी वजह से। तो ये कुछ थी मेरी इस जर्नी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलती रहे। हाँ, और ये तो अभी जर्नी की बात, और एक चीज और बतानी थी, हो सकता है जो आने वाली मेरी वीडियो है ना अगली वो थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि तो यही है, उसके बाद मैं कहीं और फिर जाना भी मेरे को और कोई मतलब थोड़ा शेड्यूल मेरा टाइट चल रहा है इसके बाद, थोड़ा देख लेना आने वाला अगला ब्लॉग थोड़ा सा डिले हो सकता है, एक डेढ़ हफ्ता ज्यादा ही लग सकता है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा देख लेना। बाकी ये था, अब मैं मिलूंगा आपसे जब भी मेरा ब्लॉग आएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।